بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's topic is worship in Islam. What do you mean by worship, or define worship, and what is the importance of worship? वर्शिप को हम दिन इस्लाम में इबादा कहते हैं. एक्चुअली इबादा इज अरबिक टर्म एंड इट इज इंग्लिश ट्रांसलेशन इज वर्शिप. जहां तक कॉमन यूजेज का ताल्लुक है, आम तौर पर जब हम इबादत का अल्फाज सुनते हैं तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि मुसलमान जो है वो मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, हिंदू जो है वो अपने इबादत गाहों में वहां पर पूजा पाठ करने के लिए जाता है, और क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाते हैं, और जो यहूदी है वो अपने उस सिनेगॉग में जाते हैं और वहां पर वो कुछ थोड़े से कुछ एक्शंस करके हम कहते हैं कि उन्होंने इबादत की. लेकिन जहां तक दीन इस्लाम का ताल्लुक है, यहां पर असली इबादत का जो मकसद है, इबादत का जो माना है, वो ये नहीं है. हाँ, इतना हम कह सकते, जरूर कह सकते हैं कि इबादत जो होती है वो दो किस्म की होती है. समझने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इबादत समझने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप समझने के लिए स्कॉलर्स ने दीन इस्लाम में इबादत को दो हिस्सों में तकसीम किया है. वन इज कॉल्ड वर्चुअल रिचुअल वर्शिप, एंड सेकेंड इज कॉल्ड नॉन रिचुअल वर्शिप. जो वर्चुअल वर्शिप है, वर्चुअल वर्शिप में हम लेते हैं नमाज को, जो हमारे दीन इस्लाम में एक आम हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर कायम है, और जिसमें पहला आता है शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर दूसरा जो उसमें है वो है नमाज पढ़ना, और तीसरा जो है ज़कात देना, चौथा जो है रोज़े रखना, और पांचवा जो है वो हज करना. जो ये रिचुअल वर्शिप है, इसमें चार आते हैं, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़े रखना और हज करना. ये चार इबादतें ऐसी है जो एक मुसलमान को बावाजे बुलंद करनी होगी, और इन चार इबादतों का एक मखसूस वक्त मुकर्रर है दीन इस्लाम में. यानी देयर इज अ टाइम मेंशनड फॉर दीज वर्शिपर्स इन इस्लाम. नमाज जो हम दिन में पांच दफा ये नमाज अदा करनी होती है, फाइव टाइम्स है हमारे लिए, और वो फाइव टाइम्स जो है फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है और इशा है. इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, जो दूसरी बात इसमें आती है वो है ज़कात देना. ज़कात एक मुसलमान को एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक दफ़ा उससे ज़कात देनी होगी. उसके माल में से उसको एक हिस्सा जो है, जिसके लिए सूरह तौबा में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि देयर आर एट कैटेगरीज ऑफ पीपल अमंग दोज, जो मुसलमान है उसको वो ज़कात का जो माल जमा हो जाता है उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात कैसे देना है, कौन से लोग इसके लिए मुंतखब किए जाते हैं जो ज़कात लेते हैं, वो तो आपको आगे पढ़ना है. और इसके बाद जो है माह रमज़ान के रोज़े, सौम जो है, आपको एक साल में एक महीना रबी करीम ने ऐसा रखा है जिसमें आपको रोज़ा रखना होता है, और उसमें वो जिसे फास्टिंग हम कहते हैं, उसमें जो है आपको इबादत करनी होती है. उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या करना होता है, इसमें कब सहरी खानी होती है, कब इफ्तारी आपको करनी होती है, बाकी आपको दिन में क्या करना होता है, वो भी आपको अलग एक टॉपिक है जो पढ़ना है इसमें. लेकिन इबादत ये है, एक महीना होता है, ट्रेनिंग का कोर्स होता है. इसमें एक मुसलमान अपने ईमान को ताज़ा करता है, और एक मुसलमान बहुत सारी चीज़ों को, सबसे बड़ा चीज़ जो इसमें है वो तकवा हासिल करता है एक मुसलमान इसमें. और इसके बाद जो है चौथा जो है वो है हज करना. तो हज में, हज एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा की जाती है. मक्का जाने के बाद वहाँ के कुछ प्लेसेस है लाइक मिना, मुजदलिफा, अरफात,
और इन जगहों पर जाना होता है और अपनी अपनी जगह पर खुसूसियत के साथ दुआ करने होते हैं, नमाज अदा करने होते हैं और इस चीज़ को हम हज कहते हैं। ये इबादत सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा में की जाती है, खाने काबा जाना पड़ता है इसमें। तो इन चार वर्शिप्स को हम जो है रिचुअल वर्शिप कहते हैं, इस एतबार से क्योंकि ये रस्मी तौर पर ये एक मुसलमान को लाजमी और ज़रूरी करने हैं ये चीज़ें, और इनमें उसे कोई वो झिझक महसूस नहीं करनी होती है। नमाज पढ़ने के लिए एक इंसान को, एक मुसलमान को उठना होगा और नमाज पढ़नी है। लेकिन अब जो नॉन रिचुअल वर्शिप है, व्हाट इज दैट नॉन रिचुअल वर्शिप? मींस कि आपको उस इबादत में हमेशा के लिए आपको रब को याद करना होता है। क्योंकि जो पहला इस जो हदीस मैंने बताया आपको, बुनियल इस्लामो अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है, उसका जो पहला है वो है शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको क्या करना है, आपको ये शहादत इस चीज़ की देनी होगी आपको कि देयर इज नो गॉड वर्दी फॉर वर्शिप एक्सेप्ट ऑलमाइटी अल्लाह सुबहानहू व तआला एंड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर एंड सर्वेंट। ये चीज एक मुसलमान को हमेशा उसके जहन में होना चाहिए। वेल ही इज वॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज स्पीकिंग, ही इज सेइंग समथिंग, ही इज सिटिंग, ही इज स्टैंडिंग, वट एवर ही सपोज्ड टू डू, ही मस्ट रिमेंबर ऑलमाइटी अल्लाह दैट टाइम। तो चलते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, कोई भी काम करते वक्त उसे याद होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ऐसा होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि उसकी हर कोई हरकत जो है इबादत है। अगर वो चार रिचुअल वर्शिप हम लेंगे, उनको सामने रखकर हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो अदियान है, बाकी मजाहिब जो है उनमें अपनी अपनी इबादत है, तो दीन इस्लाम में ये इबादतें हैं। लेकिन जो नॉन रिचुअल वर्शिप का मामला है, इट इज यूनिक विद इस्लाम। इस्लाम में एक मुसलमान मोमिन हमेशा इबादत में होता है व्हेन ही इज डूइंग एनी एक्शन एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, देन वी कैन से नॉट वी, इट इज मेंशन्ड इन इस्लाम, ये इस्लाम मानता है दैट ही इज डूइंग एक्चुअली वर्शिप। फॉर एग्जांपल कोई इंसान, कोई मुसलमान अगर शादी करता है, इफ ही इज डूइंग हिज मैरिज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अकॉर्डिंग टू द sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then that is not only marriage, that is marriage plus worship. So is aitbar se jo ibadat ka jo mana hai, maqsad hai din islam mein, wo baki adyanon se, baki mazahib se bahut hi mukhtalif hai. Yahan par ek insaan ki sari zindagi jo hai wo ibadat mani jati hai. To is cheez ke liye hamare rabbul alamin farmate hai suratul farmate hai suratul zariyat mein, अपनी मुकद्दस तरीन किताब में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने नहीं बनाया जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए ताकि वो इबादत करे रब्बे करीम की। यही मतलब होता है कि एक मुसलमान की हर कोई चीज, हर कोई काम जो करता है वो दैट इज इबादत। आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ाता हूं आपको, इफ आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू द rule of almighty Allah, according to the sayings of our Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then my teaching is not only teaching, it is teaching plus worship, it's worship. इसी तरीके से अगर कोई इंसान मुसलमान रास्ते से कोई मुजिद चीज, कोई पत्थर उठाता है, that too is worship, but when he is removing that for the sake of almighty Allah, for the sake of Islam, then we can say that person is moving that stone from road, but he is doing what? Worship. वो इबादत करता है। तो इसके साथ ही जो है ये अब इसको define कर सकते हैं कि ये इबादत क्या हो सकता है दीन इस्लाम, इसका मतलब क्या है। It is an all inclusive term in Islam. यानी इसमें जो है everything of a believer or a bondsman is worship in Islam when he or she is doing each and everything according to the rule of Almighty Allah, or I can say for the sake of Almighty Allah. He keeps rules of Almighty Allah under consideration and he keeps sayings of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam under consideration, then that is ibadah, and that's called ibadah in Islam. अब जो इसका आखिरी हिस्सा है, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वर्शिप।
इसकी इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि एक इंसान अपने आप को एक स्पेशल और खास सिस्टम में पाता है. व्हेन ही इज डूइंग एनी जॉब इन दिस वर्ल्ड, इन हिज लाइफ, ही ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज डूइंग एनीथिंग अंडर सम सिस्टम. इन दैट सिस्टम नॉट समबडी, इट इज ऑलमाइटी अल्लाह सुप्रीम पावर. ही ऑलमाइटी अल्लाह इज वॉचिंग हिम एंड हिज एवरीथिंग. जो भी वो कुछ करता है दुनिया में, उसकी एक सूरत होती है, उसका एक तरीका होता है करने का. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ डॉक्टर, सो वो अपने पेशेंट को इलाज करता है, तो उसको इलाज करते वक्त उसे याद होता है कि मुझे रब्बुल आलमीन देखता है, एंड और मैं जो भी कुछ करता हूँ ये इबादा है. तब वो उस काम को अहसन तरीके में, इन इट इज बेस्ट वे में वो करता है. तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंस है इस इबादत की. और इसके बगैर इसके बहुत सारे और भी अहमियतें हैं. इंसान एक सिस्टमेटिक इंसान बन जाता है, इंसान जो है इंसान का दिल खुश रह जाता है, इंसान को अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझ आ जाता है, इंसान दूसरों के लिए दुनिया में बहुत कुछ करता है, और उससे ये पता चलता है कि व्हाट इज़ माई पर्पस इन दिस यूनिवर्स. आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप समझा होगा. और इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद जो और हमारे पास जो टॉपिक्स है वो लेते रहेंगे. तो रब्बी करीम से दुआ है कि वो हमें भी पढ़ने और समझाने की तौफीक अता फरमाए. और रब से ये दुआ है कि आप बच्चे जो हो, आपको भी ये चीज़ समझ आ जाए, आपके जहन में बैठ जाए, और आपको ईमान की दौलत से रब्बुल आलमीन माला माल करे. आमीन. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.